निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई है, अब सरकारी इदारे महंगाई कम कराएं। निगरा वजीर आजम ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। मुतल्लिका हुकाम को कीमतों को कंट्रोल का तरीकाकार भी वजह करने की हिदायत, तमाम वज़रा आला को हिदायत की है कि तमाम अशिया जरूरियत की कीमतों में कमी लाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल करने के इक़दामात किए जाएं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ओमान के रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालम बिन राशिद अल बलूची ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात में ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन व अमान इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। और फारूक हबीब ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। लाहौर में फारूक हबीब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI मेरी साबिक जमात है। पिछले 20 वर्ष से राबता फैमिली से मुंकता किया हुआ था। पिछले 5 माह से हम अपने घरों में मौजूद नहीं थे। 9 मई का वाकया अफसोसनाक था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूँ हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।